हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेप क्रिएटिविटी और मैं हूं आपका दोस्त शेप चंदन। तो दोस्तों, फिर आया हूं लेके आपके लिए एक और नया रेसिपी। तो देखिए, आज मैं आपको सिखाऊंगा आलमंड चेरी पाई केक, और इसको घर पर आप बड़े आसानी से अपने बर्थडे में बना सकते हैं, फंक्शन में बना सकते हैं, अभी न्यू ईयर क्रिसमस में बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्यूजन है और बड़े आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, चेरी एंड आलमंड ड्राई केक बनाने के लिए सबसे पहले आप बॉल में ये रखिए 100 ग्राम मैदा, एक अंडा, 100 ग्राम बटर मेल्टेड और 100 ग्राम शुगर, आइसिंग ब्रेकफास्ट शुगर। तो दोस्तों, ये जो मिक्सचर है इसको हम पाई और टार्ट का बेस बनाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये टार्ट का जो बेस है इसको, जो इसका मिक्सचर है इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए और इसमें पूरा मिक्स हो जाना चाहिए ये। और ये सारा मिक्सचर इस तरह से हो गया। अब इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद इस मिक्सर में थोड़ा सा ये मैदा से कोटिंग करिए और उसके बाद इसको बेल दीजिए इस तरह से, रोटी की तरह। ये देखिए इस तरह से, जरा हल्के हाथ से, नहीं तो ये क्या टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है ना पाई मोल्ड है, इसको थोड़ा सा ऑयल से इस तरह से ब्रश कर दीजिए। उसके बाद इसका बेस है इसको डालिए इसमें पाई मोल्ड में, देखिए, और इसको इसका बेस को पाई मोल्ड में इस तरह से फिट कर दीजिए, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, केक मिक्सिंग के लिए सबसे पहले ये 100 ग्राम आइसिंग शुगर, मेल्टेड बटर 100 ग्राम, और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरीके से इस तरीके से, देखिए। मिक्स होने के बाद इसमें डालिए 2 अंडे, 100 ग्राम मैदा, रिफाइंड फ्लोर, और 50 ग्राम मस्काफोन चीज, देखिए, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, सौ ग्राम चेरी कटा हुआ, आप चाहे तो फ्रेश चेरी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बादाम आलमंड, देखिए छिलके इसके, 50 ग्राम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, देखिए ये हो गया मिक्स। फ्रेंड्स देखिए, ये मिक्सर रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगा टार्ट मोल्ड में केक मिक्सर, और इसको इस तरह से इसमें फैला दूंगा पूरा, ये देखिए ये हो गया। और इसके ऊपर डालूंगा मैं साबुत चेरी, देखिए इस तरीके से पूरा फैला दूंगा। और दोस्तों, इसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ा मैं फ्रेश चेरी, देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये जो मैंने केक बना रखा है चेरी एंड आलमंड्स केक, आप इसको बिना एग का फ्री मिक्सचर भी ला सकते हैं, जो वेजिटेरियन होता है जिसमें एग नहीं होता है, और ये केक आप घर पर आसानी से और इजी तरीके से बना सकते हो अपने बर्थडे में, नए साल में, क्रिसमस में। ये बिल्कुल फ्यूजन एंड होममेड है, मैंने एक अपने रेसिपी से अलग ट्विस्ट करके बनाया है।
आप भी इसको बड़े आसानी से घर पर बना सकते हो। और ये बनाने के बाद अपना कमेंट्स लिखिए और कि आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी, ये जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स 100 मिक्सचर को हमने इसमें फिलिंग कर लिया है, अब हम ओवन में डालेंगे 160 डिग्री पर और 25 से 30 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये है ओवन रेडी 160 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, और इसको डालेंगे हम बेक करने के लिए। ये देखिए, तीस मिनट के लिए इसको बेकिंग करने के लिए डाल दिया। तो फ्रेंड्स रेडी है केक, बेक हो चुका है, हम निकालेंगे इसको। देखिए, तो फ्रेंड इसको हमने ओवन से निकाल के रूम टेम्परेचर में रखेंगे और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए आधा घंटे फ्रिज में रखेंगे। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा कर लूँगा ब्रेकफास्ट शुगर से डस्ट। देखिए डस्टिंग ऐसे, और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगा 30 मिनट। तो फ्रेंड्स यह है चेरी आलमंड्स पाई, और इसको हमने फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसको देखिए अलग कर देंगे। ये हो गया, ये देखिए, और इसको हम करेंगे इसके तरह से कटिंग। देखिए देखिए बढ़िया सा बन गया है, और इसको प्लेटिंग करूंगा मैं। और इसको छोटा छोटा पीस कर लीजिए और इस तरीके से देखिए, और प्लेट में डेकोरेट करके थोड़ा सा आइसिंग शुगर इस तरह से डाल दीजिए। देखिए, और इसको चाहे तो आप है ना थोड़ा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, और गर्म चाहिए तो इसको माइक्रोवेव में इसको गर्म कर सकते हैं कम से कम 15 या 20 सेकंड तक। तो एक बार अवश्य ट्राई करें और अपना कमेंट्स दें आपको कैसा लगा हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड्स मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नया रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।